incorporation of a company. Okay, the incorporation of a company defined by promotion, registration of a company, capital subscription and commencement of business. Next, prospectus section 2 subsection 70, minimum subscription section 39 subsection 1, primarily expenses. Okay, the first is promotion. What is the promotion? It is the first stage of the company incorporation. यानी ये पहला स्टेज होता है किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का. ओके, ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ द पर्सन आर पर्सन एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी. यानी कोई पर्सन हो या कोई कोई व्यक्तियों का जो समूह हो जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं. दिस पर्सन आर कॉल्ड प्रमोटर. इस टाइप के जो भी कोई पर्सन हो या कोई ग्रुप हो उनको क्या कहा जाता है? प्रमोटर्स. अब नेक्स्ट आता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी. यानी कोई कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसके कौन से प्रोसीजर आते हैं देखते हैं. ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन द कंपनी एक्ट 2013. यानी कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो एक कंपनी को स्टार्ट करने के, तो वो प्रोसीजर किसके अंतर्गत आते हैं? कंपनी एक्ट 2013 के. द प्रमोटर्स आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी सबमिटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंसल्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर ए डिक्लेरेशन दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट हैव बीन कंप्लीटेड विथ. यानी जब भी कोई कंपनी प्रमोट करती है तो उसके जो डायरेक्टर होते हैं प्रपोज करते हैं क्या नेम प्रपोज करते हैं एंड कंपनी अप्रूवल होती है और किसके द्वारा और ये क्या सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार को. कंपनी रजिस्ट्रार को क्या सबमिट की जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंसल्ट द फर्स्ट डायरेक्टर एज ए एक्ट जो उसके द्वारा जो एक्ट किया जाता है जो पहला डायरेक्टर होता है जिसके साइन करता है एंड डिक्लेरेशन दैट द रिक्वायरमेंट वो डिक्लेयर करते हैं जो भी कंपनी एक्ट 2013 के अलावा या जो कंपनी एक्ट के द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हैज बीन कंप्लीटेड. द रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी देयर आफ्टर इशूड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जब रजिस्ट्रार को ये सब चीज़ें मिलती है क्या क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है जो एक्ट के अंतर्गत उसको फुलफिल होती है तो रजिस्ट्रार क्या अप्रूवल करता है इशू सर्टिफिकेट इशू करता है देयर आफ्टर कब जब इनके मिलने के बाद इफ ही इज द सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट. अगर वो सेटिस्फाइड होता है किसके अंतर्गत कंपनी एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लीटेड विद जो उसके सर्टिफिकेट कंप्लीट होती है तो उसके बाद द कंपनी देयर आफ्टर कम्स इनटू एक्जिस्टेंस. यानी उसके बाद ये कंपनी क्या होती है एक्जिस्टेंस होती है यानी कम टू एक्जिस्टेंस उसकी जो है निर्माण होता है. अब आता है नेक्स्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिशमेंट ऑफ बिजनेस. यानी कोई भी कंपनी जो कैपिटल सब्सक्राइब करती है और बिजनेस स्टार्ट करती है उसके लिए क्या कहा गया है? ए कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस और एग्जिस्टेंस बोरो पावर अनलेस. कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती है पावर प्रोवाइड नहीं कर सकती है इनके अलावा तो कौन कौन से हैं. फर्स्ट है डिक्लेरेशन इज फिल्ड बाय ए डायरेक्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी टू द इफेक्ट द एवरी सब्सक्राइबर टू द मीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज पेड अप द वैल्यू ऑफ द शेयर If any agreed to be taken by him, ने declaration field full करती है जो भी जो company का जो director होता है वो fulfill करता है director registrar of company को to affect the every subscribe, यानी सब subscribe to memorandum of association में पूरी के पूरी सब जानकारी देता है and has a paid up value, उसकी paid up value कितनी होगी. If any, यदि कोई एग्री भी करता है agreed to take, अगर उसके द्वारा कोई टेक बाय उसके द्वारा कोई भी शेयर लिया गया हो. ठीक है, नेक्स्ट जो आता है सेकेंड कंपनी हैज फील्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज
ए वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में जो कंपनी की क्या होगी वेरिफिकेशन रजिस्टर ऑफिस में फिल करता है वो पूरे टोटल जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है और जिससे कि कंडीशन रजिस्टर ऑफ द कंपनी वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो रजिस्टर ऑफिस होती है। अब जो नेक्स्ट आता है उसे वो क्या है प्रॉस्पेक्टस कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 17। अब प्रॉस्पेक्टस होती क्या चीज है, ए पब्लिक कंपनी इशू द डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस इन विच टर्म एंड कंडीशन ऑफ इशू आर स्टार्टेड अलोंग विद द पर्पस फॉर विच प्रोसीजर ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी यूज्ड। यानी कभी कोई भी कंपनी कोई भी पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे हम लोग कॉल करते हैं किस नाम से जानते हैं प्रॉस्पेक्टस से, इन विच टर्म जिसके अंदर जो कंडीशन टर्म और कंडीशन ऑफ द इशू एंड स्टार्टेड अलॉन्ग विथ जो इशू करती है इशू करने के बाद विथ द पर्पस क्या पर्पस होती है द विच इज द प्रोसीजर ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी यूज। यानी जो पर्पस दिया होता है कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है या जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसमें कि वो किस पर्पस के लिए उसका यूज करेगी, जो इशू कर रही है सिक्योरिटी इशू किया हुआ है तो वो किस पर्पस के लिए उसमें अमाउंट का यूज करेगी। अब कंपनी एक्ट 2013 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 के माध्यम से कंपनी के बारे में क्या कहा गया है, प्रॉस्पेक्टस मीन एक डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब ऑन इशू एंड प्रोसीजर एंड इनकर द रेड हेरिंग द प्रोसीजर प्रॉस्पेक्टस और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस और एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेस ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट है। यानी प्रोसीजर मीन्स द डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करती है क्या एक प्रॉस्पेक्टस जिसके द्वारा कंपनी नोटिस देती है सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट करती है डॉक्यूमेंट और उसके अलावा इन्वाइट करती है ऑफर करती है किसको पब्लिक को किसके सब्सक्राइब करती है किसके लिए परचेस ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन यानी उस बॉडी की कोई भी सिक्योरिटी को परचेस करने के लिए। ओके अब नेक्स्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन 39 सब सेक्शन 1। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट दैट मस्ट बी सब्सक्राइब। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है जो अमाउंट मिनिमम सब्सक्राइब होनी चाहिए अनलेस द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द सम सो स्टार्टेड हैज बीन पेड टू एंड रिसीव बाय द कंपनी बाय चेक और एनी अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी कैन नॉट बी अलॉटेड। यानी अनलेस अगर कोई भी कंपनी होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के मस्ट बी सब्सक्राइब यानी सब्सक्राइब होनी चाहिए अनलेस अथवा सम पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द सम टू स्टार्टेड हैज बीन पेड अप टू रिसीव बाय द कंपनी और बाय चेक। यानी जो है जो कंपनी जो रिसीव करती है वो किसके माध्यम से चेक या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सिक्योरिटी अगर इस टाइप का नहीं होता तो कंपनी कैन नॉट बी अलॉटेड। द कंपनी एक्ट 2013 हैज नॉट बी प्रिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी एक्ट 2000 के अंतर्गत कोई इस टाइप का कोई सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ भी नहीं कहा गया लेकिन हाउएवर SEBI Securities and Exchange Board of India has prescribed the company must receive subscription of at least 90% of share before it can allot it. Yani company act 2013 ke antargat to aisa kuch nahi diya gaya hai ki minimum subscription kitni honi chahiye lekin SEBI Security Exchange Board of India ne prescribe kiya hua hai ki company kam se kam jo bhi subscription receive karegi jitna offer kiya hua at least 90% इशू कर सकती है 90% होना चाहिए तभी इशू कर सकती है बिफोर अलॉट करती है जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगा तभी उसके बाद वो अलॉट कर सकती है मिनिमम कितना शेयर होना चाहिए जितना भी उसने ऑफर किया हुआ है उसका 90%। फॉर एग्जांपल जैसे 1 लाख कंपनी ने शेयर ऑफर की तो मिनिमम कितना आना चाहिए 90% यानी 90,000 रुपये ओके 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिनिमम आनी चाहिए। ओके अब आता है नेक्स्ट प्रिलिमिनरी
एक्सपेंसेस, यानी प्रीमरी एक्सपेंसेस का मींस क्या होता है, जो प्रारंभिक व्यय होते हैं, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होती है तो उसके लिए भी प्रारंभिक व्यय होते हैं जिसमें प्रीमरी एक्सपेंसेस करते हैं। अब कंपनी के लिए प्रीमरी एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? प्रीमरी एक्सपेंसेस और द एक्सपेंसेस इनकर फॉर इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी सच एज अ स्टार फी पेड टू द स्टार ऑफ कंपनी, लीगल एक्सपेंसेस, पब्लिक इशूज एक्सपेंसेस। इट्स, अब देखो कंपनी कि जब भी शेयर इशू करती है तब उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आते हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें, जब भी कंपनी रजिस्टार करती है, जो रजिस्ट्रेशन करती है उसके रजिस्टार्स की जो फीस हो, लीगल एक्सपेंसेस होती हैं, और जो भी शेयर इशू करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, दिस एक्सपेंसेस मे बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी इस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाता है, ख़त्म किया जाता है किसके द्वारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के द्वारा। ये किसके द्वारा परमिटेड है? बाई सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के द्वारा है ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, और टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर दे आर इनकर्ड, यानी जिस कंपनी इसको जो राइट ऑफ किया जाता है यानी खत्म की जाती है किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के द्वारा। ये किसके द्वारा परमिटेड है? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कंपनी एक्ट 2013 से, अथवा कंपनी क्या कर सकती है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट होती है उस जिस ईयर में वो कंपनी से इशू की है उस ईयर से। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कितने टाइप्स की काइंड्स ऑफ कंपनी में जो शेयर हैं, जो डिवाइडेड है, कितनी टाइप की कंपनियाँ, अभी हम लोगों ने देखा था काइंड्स ऑफ कंपनियाँ कितनी हैं, उसके बाद काइंड्स ऑफ शेयर, तो इसमें शेयर के बारे में बात करेंगे। ओके,